दोस्तों आपको केएल राहुल की बैटिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किंग्स इलेवन पंजाब ने सुपर संडे मुकाबले में केएल राहुल 84 की बेहतरीन पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हरा दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2018 के 38वें मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए, जिसके जवाब में पंजाब ने 4 विकेट के नुकसान पर 8 गेंद शेष रहते ही 155 रन बनाकर मैच जीत लिया। राहुल के साथ स्टोनिस 23 रन बनाकर नाबाद लौटे। राजस्थान द्वारा मिले 153 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब को चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा झटका लगा। पंजाब के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल 8 को जोफ्रा आर्चर ने सैमसन के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया। इसके कुछ देर बाद बेन स्टोक्स ने पंजाब को एक और झटका दिया। गेल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए मयंक अग्रवाल को स्टोक्स ने राहुल त्रिपाठी को हाथों कैच आउट कराया। यहां से राहुल और नायर की जोड़ी ने पंजाब की पारी को आगे बढ़ाया ही था कि 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर अनुरीत सिंह ने करुण नायर 31 को कट एंड बोल्ड कर दिया। तीसरे विकेट के लिए राहुल नायर के बीच 50 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद के गौतम ने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल 4 को दासी शॉट के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने सुपर संडे मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब के सामने जीत के लिए 153 रन का लक्ष्य या रखा है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल 2018 के 38वें मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए। इससे पहले टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत काफी खराब रही। 35 रन के स्कोर पर ही राजस्थान ने अपने दो महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा झटका दिया। उन्होंने सलामी बल्लेबाज ड्रासी शॉट टू को एंड्रू टाई के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया। इसके कुछ देर बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे 5 भी आउट हो गए। रहाणे को अक्षर पटेल ने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर क्रिस गेल के हाथों कैच आउट कराया। यहां से जोस बटलर और संजू सैमसन की जोड़ी ने राजस्थान की पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर एंड्रू टाई ने सैमसन 28 को नायर के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया। तीसरे विकेट के लिए सैमसन और बटलर के बीच 49 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स 12 के रूप में राजस्थान को चौथा झटका लगा। मुजीबुर रहमान ने उन्हें मनोज तिवारी के हाथों कैच आउट करवाया। मनोज ने स्टोक्स का शानदार कैच पकड़ा। वहीं इसके कुछ ही देर बाद 15वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर मुजीबुर रहमान लगातार 2 विकेट छटके। उन्होंने पहल गेंद पर जोस बटलर और दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर को अपना शिकार बनाया। बटलर ने 39 गेंदों में 7 चौके की मदद से 51 रन की शानदार 5 पारी खेली, जबकि आर्चर गोल्डन डक के शिकार हुए। इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर अंकित राजपूत ने के गौतम 5 को अपना शिकार बनाया। उनका कैच मार्कस स्टोनिस ने पकड़ा। 18वें ओवर की पहली गेंद पर राजस्थान का 8वां विकेट गिरा। टाई ने राहुल त्रिपाठी 11 को कप्तान अश्विन के हाथों कैच आउट कराया। अंतिम ओवर में गोपाल 24 रन बनाकर रनआउट हो गए। पंजाब की तरफ से मुजीब ने 3, टाई ने 2, जबकि अश्विन पटेल और अंकित ने संयुक्त रूप से 1 रन 1 विकेट लिए।